पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें एडिशन का आगाज आज से मुल्तान में ओपनिंग सेरेमनी के साथ होने वाला है। ये पहला मौका है कि मुल्तान के शहरियों को अपनी आंखों के सामने ओपनिंग सेरेमनी देखने का मौका मिलेगा और इस ओपनिंग सेरेमनी में सितारों की आपको भरमार नजर आएगी। साहिली बग्गा के साथ साथ आई एम अ बिग परफॉर्म करेंगी, साथ साथ जो HBLPSL एंथम नया रिलीज हुआ है उसके आर्टिस्ट भी आज आपको एक्शन में नजर आएंगे। शैगिल, फारिस शफी, आसिफ अजहर आज आपको मुल्तान में ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद इवेंट का पहला मैच खेला जाएगा डिफेंडिंग चैंपियन लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान के दरमियान। याद है मुल्तान सुल्तान ने 2021 की ट्रॉफी अपने नाम की थी, सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मैचअप। आज प्रोग्राम में एक्सपर्ट के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त, टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रजाक ने भी ज्वाइन किया हुआ है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है। जब इवेंट का आगाज होता है, जब आपके पास 20 प्रॉपर खेलने वाले लड़के हों तो प्लेइंग 11 कैसे बनाई जाए, शायद यहीं से कैंपेन मेक और ब्रेक होती है। इसी से डिस्कशन का आगाज करते हैं। सिकंदर, बड़ा चैलेंज होगा खासतौर पर लाहौर कलंदर के लिए 20 में से 11 लड़के सेलेक्ट करना। सेम है विद मुल्तान। मैं तुमने जब मुझसे कहा कि मैं पहला सवाल ये करूंगा मैं तो घबरा गया मैं कैसे करूंगा, इसलिए कि इसमें जो इसके रूल्स हैं उसमें आप 4 ओवरसीज प्लेयर्स रख सकते हैं, 2 इमर्जिंग, 1 शायद इमर्जिंग रखना है, तो इस तरह इसमें थोड़ा सा वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। मैं देख रहा था कि मुल्तान के पास भी स्ट्रॉन्ग फॉरेन प्लेयर्स हैं, उनके पास भी है, अगर आप बैटिंग स्ट्रॉन्ग करते हैं तो बॉलिंग में आपके पास गुंजाइश नहीं रहती, तो बड़ा ट्रिकी होगा और जो भी ये टीम बनाता होगा उसकी बड़ी हिम्मत की बात है, उसको बड़ा दिमाग लगाना पड़ता होगा कि कौन सी टीम किस वक्त कहाँ खिलाए। इट्स विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ अंदर की रिपोर्ट्स भी ले लेते हैं, भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, रज़ाक फिर हम आपके पास भी आएंगे। भट्टी साहब, कोई अपडेट्स आई हैं हमारे पास एक्सपेक्टेड 11 की, क्योंकि हम तो अपने तौर पर ऑन पेपर स्ट्रॉन्ग साइड सेलेक्ट कर सकते हैं लेकिन ये जो लीग्स हैं, फ्रेंचाइजेज हैं, ये अपने तौर पर लड़के खिलाते हैं और अपना कॉम्बिनेशन बना के आगे चलते हैं। दानिश, दरअसल इस वक्त 11 बताना इसलिए मुश्किल है कि कुछ प्लेयर अभी भी फॉरेन प्लेयर्स जो हैं इन टीमों के पहुंच नहीं सके हैं, तो मेरे ख्याल में आखिरी वक्त पर अब देखना है कि कौन कौन से प्लेयर अवेलेबल होते हैं, क्योंकि आज आपको पता है कि ओपनिंग सेरेमनी भी है। लेकिन आज जो दानिश एक सबसे बड़ा मसला है जो हमने पिछले 7 एडिशन में भी देखा, जिस दिन ओपनिंग सेरेमनी ग्राउंड में होती है, चूंकि 2-3 दिन से तैयारी चल रही होती है, स्टेज वगैरह जो है वो ज़ाहिर पिच से तो दूर बनता है, लेकिन उससे ये कि मैच थोड़ा बहुत जो है उसका आउटफील्ड पर भी असर पड़ता है और पिच की तैयारी पर भी थोड़ा सा असर पड़ता है। आप देखना ये कि जब पिच के अतराफ में इतनी ज़्यादा एक्टिविटी होगी, ट्रॉलीज आ रही हैं, बाद दफ़ा ट्रकों को भी लाना पड़ता है, लोग भी आ जा रहे थे, तो मेरे ख्याल में इसमें चूंकि अब्दुल रजाक क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ रहे हैं तो वो इसमें बेहतर डिस्क्राइब कर सकेंगे कि ये जो ओपनिंग सेरेमनी ग्राउंड में होती है उसके फौरन बाद जब मैच होता है तो क्या उसके असरात पड़ते हैं। लेकिन मैंने तो देखा है कि पिछले सालों में थोड़ा बहुत उसका असर ओपनिंग सेरेमनी का मैच पर पड़ता है, लेकिन मेरे ख्याल में शाहीन शाह आफरीदी की वापसी ये बहुत बड़ी खबर है। लाहौर कलंदर्स शाहीन शाह आफरीदी पर फोकस करिए। फिर मोहम्मद रिजवान ने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब मेरी फॉर्म खराब थी तो मैंने टीम मैनेजमेंट से खुद कहा, पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट से, कि आप सरफराज अहमद को खिलाएं, तो अब वो बांग्लादेश लीग खेल कर पाकिस्तान आए। लेकिन आज मेरे ख्याल में असल इम्तिहान मोहम्मद रिजवान का है कि अगर वो ओपन करने आते हैं, ठीक है, तो मोहम्मद रिजवान का असल इम्तिहान होगा अगर वो ओपनिंग करने आते हैं।